तो आज हम सुनेंगे कहानी जानी दुश्मन की, जहाँ भूत ही भूत की पांच भूतिया निशानियाँ बताता है। इसकी पांच इम्पोर्टेंट निशानियाँ होती है। उसे हर वक्त पसीना आता रहता है, हमेशा होंठ चबा कर बात करता है, उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं यूं खुली रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। और इस मूवी के सब भूतिया कांड चौतड़ा शहर के वकांडा गांव में होते रहते हैं, जहां के चौतड़े आदमी नाभि तक बिना बटन की खुली टी शर्ट पहन के छाती के बालों का प्रदर्शन करते रहते हैं। नॉर्मल जूते चप्पल नहीं, लॉन्ग शूज पहनते हैं, वो भी चहनबोध चटक लाल। और यहां की औरतें आधी साड़ी पहन के हमेशा नग्दा रहे, मेरा मतलब है नंगे पैर रहती है। फिल्म के मुख्य नायक अपने ही चौड़ में रहते हैं और नायिकाएं इनके गोदाम गरम में घुसी रहती है। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने चुका, ये दोष मेरा नहीं, इस दिल का है, मेरे प्यार का है। अरे एक बार हमारे प्रेम की छैया तले बैठ के तो देख उनका उनका फूल बना देंगी चैलेंज। बाकी क्या काम धंधा करते हैं पता नहीं, बस मेन नायक लाखन की आटा चक्की है। या आटे की बोरियां लाते लाते कहाँ टूट जाती है, और तुम्हें दो रोटी लाने के लिए इतनी देर हो जाती है, और वो भी आधे टाइम घोड़े और रेशमा की सवारी करते रहता है, जिनकी सवारी लाखन का शत्रु सिन्हा भी करना चाहता है। यहाँ का ठाकुर कुमार गाँव में ओलंपिक कराते रहता है। और यहाँ लोलियो, अरे मेरा मतलब है डोलियों से दुल्हने गायब होती रहती हैं, पर फिर भी यहाँ के चबूतरे शादी करा के जहाँ से बंदियाँ गायब होती रहती हैं ठीक वहीं पे डोली रख के अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। चलो रे डोली उठाओ कहा। तो फिल्म की शुरुआत में एक ठरकी घोड़ा पेलूमल टैक्सी में अपनी बीवी धनिया की घोड़ी बनाने के चक्कर में होता है, पीने के लिए नहीं धुआं निकालने के लिए, ताकि श्रीमान देख सके। पर टैक्सी का टायर पंचर हो जाता है और ड्राइवर, जिसके गोदाम से गले तक बैटमैन का रोबिन फिट है इसलिए थोबड़ा घुमा नहीं पाता, वो इन्हें कार में बैठे रहने की बजाय सामने एक हवेली में भेज देता है, जहाँ 43 इंच के एलईडी फोटो फ्रेम से वीडियो कॉल करके मरेला ठाकुर इन्हें अपने 4 इंच के नामुराद की बैक स्टोरी सुनाता है, जिसमें ठाकुर नामुराद की सुहागरात को उसकी नामुराद दुग्ध धारणी प्रतिमा बीवी बड़े बड़े मोए मोए से जहरीला दूध पिला के ठाकुर नामुराद को KLPM3 यानी खड़े लवन पे मोए मोए मौत दे देती है। इस मंजिल पे तुम अकेले ही जाओगी ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी सुहागरात उसी के साथ मनाऊं जिससे प्यार करती हूं। आज मैं मर गया भैया। और फिर फोटो से निकल कर दीवार में घुस के इनकी गोदाम पंचर कर देता है और ये फटी में भक्के बाहर जाते हैं, जहाँ ड्राइवर पहले ही भग चुका होता है। उधर थोड़ी आगे ही पूरी साहब एक दुल्हन को लाके उसकी पानी पूरी आलू चाट खाने के चक्कर में है। जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, मैं चिल्लाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी, जितना चाहे चिल्ला लो, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है कि तभी नामुराद गुदा में घुस के अमरीश को अबरीच बना देता है। बस हवा निकल गई। और ये डरावना भालू कलाकार जिस पे थोड़ी देर पहले थूथ रगड़ रहा था उसी मुंह पे पैर रख के बंदी को मार देता है। ये नजारा देख के गुलाम्बी नवयोवना धनिया की अम्बी लाल हो जाती है और अब रीच पुरी बुरी तरह इनके पीछे भगता है और दोनों भक्के स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां ये बूढ़ी थूत मैक्लोडगंज फिर इन्हें देखे बिना इनका सूटकेस दे देता है। ये दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं, जहां अमरीश दा पुरी आके हॉरर स्टोरीज की नोवेल पढ़ने लगता है और तभी गुलाम्बी नवयोवना ट्रेन में लाल माल गाड़ी बन के आ जाती है, जिसे देख के पुरी के टीटी अंडरवियर में नामुराद के काले भालू की बिना टिकट की सवारी घुस जाती है। और ये मुंडी घुमा के लाल धनिया की चटनी बना देता है। और अब भूत क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, ये सब सेट करके वकांडा गांव दिखाया जाता है, जहां ये भूत कांड करते रहता है। और सबसे पहले लाल ईरानी दुल्हन की ईरानी चाय कैमरे में थूथ घुसेड़ के पी लेता है। और फिर आते हैं इस मूवी के वकांडाई कैरेक्टर्स। सबसे पहले आता है ठाकुर का छेनू बेटा शेरा। शाम कहाँ है? वो तो पिट्टो को लेकर दवाखाने गया, जिसे लो, अरे मेरा मतलब है घोड़ों का शौक है, और ऐसे एक घोड़े का प्लेन मैदान में पीछा करके पकड़ लेता है, जहां आसमान से खजूर, अरे मेरा मतलब है लाखन टपक जाता है। हमें जो चीज पसंद आ जाए पहले हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, और अगर ना मिले तो हाथ तोड़ के ले लेते हैं। अरे कहा भैया, कहा हालचाल, कहाँ चल रहा है ये सब? अरे पता दिखाओ, मैटर चल रहा है यार इन लोगों का, तुम दोनों की। और वहीं हाथों हाथ शेरा का गीदड़ मामा और फिर पापा ठाकुर भी आ जाता है। अबे सब यहीं एक दूसरे की गुदा खुजा रहे थे क्या? खैर पता चलता है कि पापा ठाकुर कुमार बेटे एनिमल सिन्हा की हरकतों से परेशान हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से पूरा गांव सिन्हा का शत्रुघ्न बन गया है। चल बे। और ये एनिमल शेरा इतना भी बुरा नहीं है, इसने एक बार चंपा की चमेली को बचाया था। अभी हम जिंदा है, लेकिन अब तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तेरे बहन का। और चंपा तब से इसे चमेली का तेल लगा के इसे अपनी चंपा देना चाहती है।
हमको प्यार चाहिए प्यार। और ये इसका तेल यूज नहीं करता क्योंकि इसकी नजर रेशमा की नगीना पे है। सच मुझे बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया तुम्हें। जो बेखाम खा मुँह पे मुँह चिपका के कुत्तों से भक्के कुएं में गिरती रहती है। और रेशमा की बिल्ली को गांव के मोस्ट एलिजिबल बैचलर लाखन का लखानी घोड़ा पसंद है। चल बे। और सुन, अब कभी ऐसा खतरा पेश आए तो अपनी बंदूक से दो गोलियां चला देना। मेरी भी जोड़ी लुट गई तो। इधर शेरा की बहन शांति भी अपनी शांति लाखा से ही भंग करवाना चाहती है। मैं समझता हूँ शांति लाखन को पसंद है। इन दोनों की गोदाम में मर्दाना ताकत के कीड़े ने काट रखा है और ये दोनों एक दूसरे की गोदाम में उंगली करके मर्दानगी का मुकाबला करते रहते हैं। जो मर्द होते हैं मुकाबला अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से जीतते हैं। मर्द तैयारी नहीं करते शेरा, हमेशा तैयार रहते हैं। जो मर्द होते हैं वो अपनी छाती पे वार तो सह सकते हैं लेकिन दूसरों की पीठ पे छुप के वार नहीं कर सकते। पहले लड्डू खा ले यार मंगनी। लेकिन किसे? वैद जी की बेटी रेशमा से। पहले लड्डू खा ले। आखिर ये तो बता लाखन खुशखबरी क्या है? इसी की मंगनी टूट गई है। किसकी मंगनी? तुम्हारी। जो मर्द होते हैं। और अब आता है अमर जिसका चक्कर लाखन की बहन की घोड़ी, अरे मेरा मतलब है गोरी से चल रहा है। गोरी, तुमने मेरा प्यार देखा है? मेरी हिम्मत नहीं देखी, मेरा हाथ नहीं देखा, चलो। और ये इसके साथ पेड़ की टहनियों पे पत्थरों पे चढ़ के और फिर गोदाम घिसड़ के अजीब सी हवस का नंगा नाच करते रहता है। इसका मूवी में एक ही काम है, जहाँ मौका मिले गोरी के साथ मिलके डांस निकालना। और जीतू के धर्म की बहन है सारिका पल्लू, अरे मेरा मतलब है बिंदिया, जिसकी शादी के जोड़े पे हाथ लगवाने ये ठाकुर कुमार के पास जाता है। पर लाल जोड़ा देख के ठाकुर की गब्बर लाल हो जाती है। No, God, please, no, no! और ये अपना शोले आई मीन फ्लैशबैक सुनाता है जिसमें बहन की शादी थी पर दूरा घोड़ू घोड़े से लात खा के डगार मार के मर गया। और ये सुनते ही बहन भी काला मुंडे खा के मर गई। जब ये ब्याह का लाल जोड़ा देखते हैं इनका यही हाल हो जाता है। अब अगले दिन बिंदिया की शादी होती है और डोली हमेशा की तरह मंदिर के पास रुकती है जहाँ का पुजारी प्रेमनाथ है। और जैसा होता है चकर गश्ती भालू भूत मुंडी घुमा के बिंदिया को चमका के मार देता है। और फिर एंट्री होती है पगलेट झाड़ी लाल की, जो मुंह पे मुगली मुट्ठी 69 की झाग लगा के घूम रहा है। इसका एक ही काम है ऑडियंस को ये बताना कि इसको छोड़ के बाकी चल बे। अब अमर फटी में लाखन के सामने इसकी और इसकी बहन की चो अरे मेरा मतलब है चक्कर के बारे में बता देता है। गौरी मुझसे प्यार करते हैं, मैं गौरी से प्यार करता हूं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गौरी से शादी करना चाहता हूं, गौरी मुझसे शादी करना चाहती हूं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने घर बनाया जिसमें गौरी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं गौरी साथ रहना चाहता हूं, हम दोनों एक दूसरे से रहना चाहते हैं। पर पिक्चर में एक घंटे बाद वन टाइम एंट्री लेके माँ इनकी माँ बहन कर देती है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, गौरी का ब्याह वही होगा जहाँ तुम्हारे पिताजी तय कर गए हैं। और गौरी की शादी करा के डोली वही मंदिर के नीचे रखी जाती है जहाँ से गौरी भी गायब हो जाती है। और लाखन अमर की मारने उसके घर पहुँचता है। गौरी कहाँ है? जहाँ उसके सामने आधे घंटे बातें खोद के मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी ने। आज मम्मी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। और यहाँ लाल ऊत का भूत फिर नई बिल्ली मारने के लिए लाता है पर वो इसकी बालों से भरी थूत देखने से पहले ही सुसाइड कर लेती है। और अपने दोस्त और बहन का दुख भुलाने के लिए रेशमा की डोरी खोलने के लिए घोड़ा भेजता है जहाँ रेशमा अपने वैद्य बाप को मदन बना के उसकी अंधी आंखों के सामने घोड़े पे बैठ के लाखा के लो अरे मेरा मतलब है निकल लेती है। पर रस्ते में ठरका हुआ शेरा बिल्ली पे टूट पड़ता है प्यार से कहता हूं, और तभी लाखा वहाँ आ जाता है और हाथों हाथ ठाकुर भी। तुम दोनों की ये क्या झाड़ियों के पीछे छुपे रहते हैं? शेरा जैसे ही कुछ कांड करने की फिराक में होता है ये धप्पा कर देते हैं और ठाकुर कुमार शेरा के ठरकी लोमड़े को मार के भगा देता है। और ये किसी खेत में सो रहा होता है जहाँ भक्के रेशमा का सूती बाप आ जाता है और पता चलता है कि ये अंधा नहीं है। तो आप अंधे हैं नहीं, अंधे बने हुए थे। इस रात को राजी रहने देना। बेटा मन में लड्डू फूटा। आपको अपनी बेटी की शादी हमसे करनी होगी, कहिए मंजूर है? हाँ, मंजूर। और अगले दिन वैद इसकी जड़ी बूटी पे लात मार देता है। मैं अंधा नहीं हूँ। इसमें क्या है बच्चे? मैं पापों की कमाई। और साथ में इसकी बहन शांति की बूटी भी मुरझा जाती है। हा? अब यहाँ बहन और दोस्त मर गए हैं मगर लाखन रेशमा के साथ कलोले कर रहा है जहाँ इसे अपनी बहन का टीका मिलता है और एक जूता जो पता चलता है कि पुजारी प्रेमनाथ का है। और से जूते को देखो, बताओ किसका है? ये जूता पुजारी जी का। चल बे। और लाखा पुजारी प्रेमनाथ से गुस्से में बात करता है जहाँ ये भूखा चिलगोजा गुदा से लकड़ी निकाल के चबा रहा है चादर मोद और सब बिना कुछ जांच पड़ताल किए पुजारी प्रेमनाथ की नफरत से पूजा करते हैं।
पर एंड टाइम पे शिवलिंग पे सांप इसकी गवाही देके इसे निर्दोष साबित कर देता है। I have absolutely no idea what's going on. और ठाकुर कुमार अपनी बेटी की शादी करा देते हैं, जिसकी चोली और मेरा मतलब है डोली में लाखन भी बैठ जाता है। और ये पहली बार होता है कि दुल्हन बच गई। ओए डोली नहीं लूटी गई, डोली नहीं लूटी। और लाखन ठाकुर कुमार की कुमारी गुदा में उंगली कर देता है। ठाकुर साहब, डोली में आपकी बेटी के साथ मैं बैठा था, ये राज सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था। डोलियों का लुटेरा या मैं हूँ या आप हैं। और हमेशा की तरह इल्जाम शेरा सिन्हा पे ही आ जाता है। और वो फटी में वहाँ से भग लेता है। और रास्ते में काले लोग, अरे मेरा मतलब है कपड़ों पे, लाल जैकेट विद मैचिंग चटक रेड शूज पहन के रेशमा के घर पे रेड मार देता है और बिना राय लिए रीना को उठा के भग लेता है। यहाँ रेशमा हालात और जज्बात पलट देती है। कंगन पहने नहीं जाते, पहनाए जाते हैं। किस में नावे, नावे, नावे। पर अचानक पिस्तौल निकाल के दो गोली मार के SOS कॉल करती है। तो अपनी बंदूक से दो गोलियां चला देना। तुमने अपने प्रेमी को जो इशारा करना था वो हो चुका। जिसे सुन के खिड़की के बाहर से रेशमा का डांस देख के अपना लखानी हिला रहा लाखन वहाँ आ जाता है और दोनों में गुथाई शुरू हो जाती है। और लाखन शेरा की छेनू फाड़ देता है, मगर शेरा के नजारे लेके अपनी चमेली को सहला रही चंपा उसे बचा लेती है। और सबको लगता है डोलियों का लुटेरा शेरा मर गया। चल बे। तो लखन रेशमा से शादी करके डोली मंदिर लाता है। पुजारी जी महाराज, दूल्हा दुल्हन के लिए भोलेनाथ का प्रसाद तो लेकर आइए। जहाँ बालों से भरे हाथ रेशमा को उठा लेते हैं और जिसे लखन देख लेता है और गुफा में उतर जाता है, जहाँ पहले शेरा और फिर पगलेट भी आ जाता है जो असल में इंस्पेक्टर है। इधर भूत रेशमा से पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता है कि तभी लाखन वहाँ आके रेशमा को धर दबोचता है, लेकिन भूत उसे भगा देता है कि बैंकॉक मैं खेल रहा हूँ इससे। मगर तीनों इस अंडरटेकर भालू से WWE खेलने लगते हैं। जिसमें इंस्पेक्टर विनोद चीटिंग करके बंदूक चला देता है। इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं। इनका इलाज गोलियां नहीं, आयुर्वेद है। और भूत इन्हें चीटिंग करता है तू कह के फिर रेशमा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है, जिसमें एक बार को तो ये पजामा पहन के आ जाता है और जैसे ही पजामा उतार के सफेद स्लीपर पहनता है तीनों इसे बांध देते हैं। और इस डेंजरस सिचुएशन में दत्त साहब मून वॉक करके निकल लेते हैं। और ये जंजीरी तोड़ के अपने बड़े डिल्डो से इन तीनों की गुथाई कर देता है। और शेरा की गोदाम में गुम्बा फिट करने वाला होता ही है कि लाखन शेरा की गुफा बचाने बिल्ली को भालू पिशाच के सामने फेंक देता है। और भालू भूत रेशमा को उठा के उसकी डोरी तोड़ने वाला होता ही है कि लाखन वीट का त्रिशूल इसके बालों से भरी छाती में डाल देता है। वीट हेयर रिमूवल क्रीम डेड स्किन हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले फॉर सैलून स्मूथ फिनिश। और पता चलता है कि ये भालू भूत ठाकुर कुमार था और ये अपना बिना बालों वाला फ्लश बैग बताता है, जिसमें ये योगिता बाली की डाली से बेर तोड़ने ही वाला होता है कि अभिरीच पुरी इन पे अटैक कर देता है और ठाकुर कुमार इसे पेल देता है, लेकिन हाथों हाथ ठाकुर नामुराद पुरी से निकल के कुमार में घुस जाता है और योगिता बाली की डाली तोड़ देता है। और तब से यही लाल बिल्लियों के स्वाद ले रहा था। और अब ठाकुर कुमार नामुराद भूत के गोटे भींच लेता है। तो नामुराद कभी वापस ना आने की कसम खा के दीवार तोड़ के भाग लेता है और ठाकुर कुमार के साथ ये पिक्चर भी खत्म हो जाती है। अरे भाई, ऐसी चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई देता है और मैं हर पूर्णमासी की रात को शिकार करने जाता हूँ।